मैं मीरा सिंह, लाइफ ऑफ प्लांट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक प्लांट लाई हूँ जिसका रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तो सोची क्यों नहीं आप सबके साथ इसको भी शेयर किया जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक मेरे पास ये 10 इंची का पॉट है जिसको एक मैं गरम लोहे के सरिया को गरम करके इसमें होल बनाई हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और होल के बाद आता है फ्रेंड्स, मैं इसमें एक ठिकरी लगाऊंगी, जो गहराई वाला ठिकरी है उसको मैं अंदर रखूंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको रखने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ अपने यहाँ का पत्ती वाला खाद, जो ड्राई हो चुका है, जो मेरा पीला लीव निकलता है, वो सबको इकट्ठा करती हूँ। तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, देख रहे हैं, जैसा कि मैं इसको एक बैग में रखे रहती हूँ। और ये सब मैं डाल के हर गमले में टाइम टू टाइम मैं डालते रहती हूँ, 2-4 लेयर इसका हो जाता है, जो ये बाद में खाद भी बन जाता है और ये कोरस में भी मेरा नहीं निकल पाता है गमले से। तो ये मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं सॉइल को देख मिला रही हूँ, ये मेरा गार्डन सॉइल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका मिलाने का ये है फ्रेंड्स, अगर ये 50% है तो रिवर्स एंड इसको 20% डालेंगे, 20% ये डालेंगे खाद। ये मेरा पत्ती का खाद है, ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास गोबर खाद है पुराना, 2-1.5 साल पुराना, तो उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड सकते हैं। अभी मेरे पास ये किचन वेस्ट खाद है, तो इसी में मैं लगा रही हूँ अपने फ्लावर को। इसको पहले फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये मेरा पूरा खाद एक जैसा मिल जाए। अभी मेरा ये बन गया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खाद है, गुड़बुड़ी खाद बन गया है। अब मैं इसको इसके डाल रही हूँ, लेयर मैंने अपनी मिट्टी का डाल दी है। ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है फ्रेंड्स, बारिश की वजह से प्लांट की जो है पत्तियाँ काफ़ी डैमेज हो गया है। कोई बात नहीं, फिर इसमें अच्छा लीव आने लगेगा। नर्सरी वालों की भी क्या गलती है फ्रेंड्स, उन लोग उतना प्लांट कहाँ रख पाएंगे, उनके साथ भी मजबूरी है। तो मैं लाऊँगी तो बहुत बारीकी से इसको, थोड़ा सा कि इसका रूट डैमेज ना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसको करके फिर मैं इसको ऐसे बैठा दूंगी। अब इसको मैं किनारे किनारे से सावधानी से मैं इसको मिलाया हुआ खाद भर दूं, ताकि मेरा प्लांट अच्छे से बैठ जाए, फिल करते हुए अपने हाथों के उंगलियों के सहारे से अच्छे से फिल कर दें, ताकि कहीं से एयर पॉट ना रह जाए प्लांट में और मेरा प्लांट अच्छा सा रिपोर्ट हो जाए। थोड़ा कम पड़ गया फ्रेंड्स, मिलाकर बाद में फिर मैं इसको डाल दूंगी। बैठा ली हूँ, अब इसमें फ्रेंड्स मैं वाटरिंग करूँगी, सबको दिखा रही हूँ। अब इसमें मैं वाटर डालूँगी, किनारे किनारे से वाटरिंग करूँगी अच्छे से, फूल पानी मैं इसको दूँगी फ्रेंड, ताकि मेरा ये ड्रेनिंग होल से पानी अच्छे से निकलने लगे। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इसका ड्रेनिंग होल बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जैसे जैसे आपका प्लांट से पानी
सूखते जाए थोड़ा पानी बढ़ाते हैं। चूँकि ये पहली बार है फ्रेंड, तो इसमें वाटरिंग करेंगे और जब इसका ड्रेनिंग होल से पानी निकलने लगेगा फ्रेंड, तो समझिए कि मेरा पानी का काम इसमें पूरा हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको छाए में रखेंगे एक हफ्ता लमसम। चूँकि ये विंटर का प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको बहुत, इसका रूट बहुत छोटा होता है फ्रेंड्स। अगर ये ओवर वाटरिंग होगा तो मेरा प्लांट बहुत जल्दी मर जाएगा। इसके लिए इसको हम एक हफ्ता पाँच दिन थोड़ा सेमी सेड में रखेंगे, फिर इसको धूप में रखेंगे। जब मेरा ऊपर का सॉइल लगे कि हाँ ये सूख गया है, तब इसमें वाटरिंग करेंगे। वैसे बिगोनिया को बहुत पानी की ज़रूरत होता नहीं है। इसके बहुत रूट देखिए फ्रेंड्स, इससे पानी मेरा कितने अच्छे से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पानी ड्रेन आउट होने लगा है। अब ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेमी सेड में रखूँगी, दो चार पाँच दिन के बाद मैं इसको धूप में रखूँगी। विंटर का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें धूप ज़रूरी है हर प्लांट के लिए, तो वैसा हम करेंगे और इसको धूप में रखेंगे, तभी अपना अच्छा सा फ्लावर प्रोवाइड करेगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।